हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। हमारी ये आज की वर्कशीट है, हमारी क्लास फोर्थ के क्लास के बच्चों के लिए वर्कशीट है और जिसका नंबर है क्रम संख्या 104। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, हमारा पाठ जो है रिमझिम चल रहा है, उसमें मतलब पाठ्य पुस्तक हमारी रिमझिम है और पाठ क्या है, स्वतंत्रता की ओर, स्वतंत्रता की ओर चल रहा है इसमें। अब इसमें क्या है, हम अनुनासिक और अनुस्वार शब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या है प्यारे बच्चों, आपने पाठ में स्वतंत्रता की ओर को अच्छे से पढ़ा होगा। आइए पाठ में कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं, जैसे स्वतंत्रता, गांधी, बिंदा, हंसा, फूंक आदि। ठीक है, वे शब्द जिन्हें बोलते समय क्या है, हमारी ध्वनि जो है नाक से निकलती है और जिन्हें लिखने के लिए हमें क्या है, बिंदु का प्रयोग होता है, उसको हम अनुस्वार शब्द कहते हैं, जैसे गंगा, पतंग। ठीक है, और वो शब्द जिनको बोलते समय क्या है, मुंह से क्या है ज़्यादा अधिक जो आवाज़ निकलती है, नाक से कम ध्वनि निकलती है, उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक शब्द, और जिसके लिए क्या है, हम चंद्र बिंदु का उपयोग करते हैं, जैसे चांद, गांव, सांप। ठीक है, तो क्या अब हम क्या है, हमें ये प्रश्न दे रखा है क्या कि निम्नलिखित शब्दों को पहचान कर नीचे दी गई तालिका में हमें सही स्थान पर भरना है। अनुस्वार मतलब जिनके ऊपर हम क्या है बिंदी लगाते हैं, और अनुनासिक मतलब जिसके ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। अब क्या है, बंद गोभी, इसमें क्या है बिंदी लगे तो इसमें आएगा। स्वतंत्रता, इसमें भी बिंदी यहाँ पर आएगा। अब है झंडा, झंडा भी हम यहाँ लिखेंगे अनुस्वार में। पसंद भी हम कहाँ लिखेंगे, अनुस्वार में। और एक हमारा गांधी जो है हम कहाँ लिखेंगे, वो भी हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने नीले से दर्शा दिया है। अब हम क्या देख रहे हैं, अनुस्वार, अनुनासिक शब्द कौन कौन से, हमारा जिसके ऊपर क्या है हमारी चंद्र बिंदु लगी है, गांव हम इसमें लिखेंगे, माँ क्योंकि इस पर चंद्र बिंदु है, धुआं हम इसमें लिखेंगे, और हमारा क्या है कहाँ पे भी हमारा क्या है चंद्र बिंदु, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो बेटा यहाँ से देख के आप लिख लेना। ठीक है, मैंने बता दिया कौन से शब्द कहाँ पर आएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं क्या कि नीचे गद्यांश में लिखे कुछ शब्दों में अनुस्वार जिसके ऊपर चंद्र बिंदु, जिसके ऊपर बिंदु आती है सिर्फ, वह अनुनासिक जिस पे क्या है चंद्र बिंदु लगाना छूट गया है। क्या आप इन शब्दों को पूरा करने में हमारी मदद कर सकते हैं? ठीक है ना, तो कर सकते हैं, तो करते हैं। चलो, क्या एक क्या है जंगल, जंगल के ऊपर किस पे आएगी हमारी बिंदु, देखो अब सही से हो जाएगा, जंगल तो क्या पे, ज पे आएगी। एक जंगल में नंदन, न पे आएगी। नामक बंदर, ब पे आएगी बिंदु रहता था उसे, अंगूर, आ पे अंगूर, और नारंगी, र पे आएगी। खाना बहुत अच्छा लगता था तभी वहाँ गंगाराम, का पे ग पे आएगी। गंगाराम नामक का लंगूर किस पे आएगी, ल पे। एक पतंग किस पे आएगा, त पे पतंग लाया। दोनों ने खूब आनंद, किस पे आएगा, आनंद, न पे आनंद लिया। और जंगल, ज पे में खूब दंगल किया। तो हमने क्या है बिंदी लगा दी, क्या है, एक जंगल में नंदन नामक बंदर रहता था उसे अंगूर और नारंगी खाना अच्छा लगता था तभी वहाँ गंगाराम नामक एक लंगूर एक पतंग लाया। दोनों ने खूब आनंद लिया और जंगल में खूब दंगल किया। तो ये आप यहाँ से देख के लिख लेना। अब हम बढ़ते हैं अनुनासिक शब्द पे जिस पे हमें चंद्रबिंदु लगाना है। हम ठीक है, अब हम इसको इधर कर लेते हैं, क्या इसको बड़ा भी कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा। अब हम रंग चेंज कर लेंगे नीला। ठीक है, अब क्या है, एक गांव तो किस पे आएगा, गांव पे, ग पे चंद्रबिंदु। में आंचल किस पे आएगा, आ पे। अपनी माँ, माँ पे, जो माँ जो डंडा लगा हुआ है के साथ रहती थी उसे चिड़िया, या पे, या का जो डंडा होता है उस पे। और तितलियाँ, या का डंडे पे आएगा, चंद्रबिंदु बहुत पसंद थी। एक दिन वह तितली के पीछे भागी तभी वहाँ सांप, स के जो जो लाए वो है आ की मात्रा उस पे, सांप को देखकर वह कांप, कप की मात्रा पे कांप गई और गिर गई। उसके दाएं, य पे, दाएं पांव, प पे में चोट आ गई। अब इसको दोबारा पढ़ते हैं, क्या कि एक गांव में आंचल अपनी माँ के साथ रहती थी उसे चिड़िया और तितलियां बहुत पसंद थी। एक दिन वह तितली के पीछे भागी तभी वहां सांप को देखकर वह कांप गई और गिर गई। उसके दाएं पांव में चोट आ गई। तो यहां से आप डेटा देख के यहां से लिख लेना। अब बनते हैं हम आगे की ओर, क्या कि निम्नलिखित गद्यांश में चित्र के अनुसार शब्दों को वाक्य में पूरा करना है। अब हम करते हैं, मेरा नाम क्या है, अंकुर। आप क्या लिख देंगे, मेरा नाम
अंकुर है मैं, सॉरी मैं गांव, मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। हमारा क्या है, हमारा गेहूँ गेहूँ का खेत है। मैं रोजाना, अब यहाँ पे क्या आएगा, 5 बजे उठकर दांत साफ करता हूँ। मुझे पतंग उड़ाना और ये क्या है हमारा, गेंद गेंद खेलना बहुत पसंद है। तो यहाँ से आप देख के लिख रहे हैं क्या कि मेरा नाम अंकुर है, मैं गांव में अपनी माँ के साथ रहता हूँ। हमारा गेहूँ का खेत है। मैं रोज़ाना 5 बजे उठकर दांत साफ करता हूँ। मुझे पतंग उड़ाना बहुत उड़ाना और गेंद खेलना बहुत पसंद है। ये आप बेटा यहाँ से देख के लिख लेना। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कि स्वतंत्रता की ओर में से अनुस्वार व अनुनासिक वाले दो शब्द छाट कर लिखने हैं। अनुस्वार जिसमें क्या है, सिर्फ बिंदी आती है, और अनुनासिक जिसमें हमारा चंद्रबिंदु आता है। तो हमारा अनुस्वार क्या हो जाएगा, पसंद, गांधी, नहीं, इन सब में क्या है, सिर्फ बिंदी आती है। ठीक है, तो हम यहाँ से, और अनुनासिक में क्या आ जाएगा आपका, रंग चेंज कर लेते हैं, कुएं, उन पे क्या है, चंद्रबिंदु आती है, फांदती, ठीक है, दो वर्ड हो गए हमारे, और हम हूँ भी लिख सकते हैं, हूँ, हूँ पे भी क्या है, चंद्रबिंदु आती है। तो ये अब बेटा यहाँ से देख के लिख लेना, ये क्या है, अनुनासिक है ये, जो मुंह से ज़्यादा नाक से कम निकलता है, और ये जिसमें चंद्रबिंदु यूज़ होता है, और अनुस्वार जिसमें क्या है, सिर्फ बिंदी यूज़ होते है। ये आपने यहाँ से देख के लिख लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, बच्चों से कहिए कि वे घर में के ऐसे सामानों की सूची बनाए जिसमें क्या है, ये यूज़ होता हो, जिसमें बिंदी और चंद्रबिंदु यूज़ होता है, जैसे कंघी, दांत, पंखा, और आप और सोच लीजिएगा, ठीक है। और हमें ये जरूर पढ़ना है कि अपने हाथों को नियमित रूप से हमें पानी और साबुन से धोना है, क्योंकि COVID-19 चल रहा है और इससे हमें बचना है, तो हमें सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक करके बताइएगा। और अब मिलते हैं हम आगे की वर्कशीट के साथ। आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और सराह रहे हैं। बाय बच्चों, हमेशा खुश रहिए और COVID-19 से बच के रहिए। मिलते हैं अब आगे की वर्कशीट के साथ।